सभी का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे 33वीं क्लास की और एक नए जिले की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल। 11वां डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, कोई भी आपकी वीडियो मिस हो रखी हो या कोई भी पीडीएफ आपसे मिस हो रखी हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो का लिंक और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे मैं हर बार करता हूँ, अब की बार फिर करूँगा कि नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। कंपटीशन अगर आप कर रहे हो तो नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप सबसे आगे अपने आप को मानकर चलना, क्योंकि नोट्स कैसे होते हैं, देखो नोट्स सपोज करो एग्ज़ाम के 2 माह पड़े हैं तो आप नोट्स को फटाफट से रिवाइज कर सकते हो 5-7 बार। अगर आपने नोट्स 5-7 बार रिवाइज कर लिए तो क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, पार्ट फर्स्ट है और अन्य इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नामकरण की, टिहरी गढ़वाल का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो नाम था क्या था, टिहरी था। ठीक है, 19 इतिहासकारों में कौन है, मोला राम। तो मोला राम जी ने इसे क्या नाम दिया है, टिहरी नाम दिया है। और भिलंगना और भगीरथी, भिलंगना और भगीरथी प्लस पाताल गंगा, हालांकि पाताल गंगा अब पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, तो भगीरथी और भिलंगना नदी के तट पर है पुराना गणेश प्रयाग, और उसी स्थान पर अब नए टिहरी की स्थापना की गई है। ठीक है, हुई थी कब, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके जो स्थापना जो हुई कब, 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को उसकी स्थापना हो जाती है। और किस नदी के तट पर है, भगीरथी भिलंगना प्लस पातालगंगा। पातालगंगा यहाँ पर बिल्कुल वंचित हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो ओनली भगीरथी प्लस भिलंगना पर। ठीक है, मोला राम जी के अनुसार इसका नाम, थोड़ा सा मैं बता दूँ, टिहरी था। ठीक है, लेकिन कुछ स्थान पर इसे हिंदाऊ या हिंदुत्व भी कहा गया है। ठीक है, तो प्राचीन जो ग्रंथ है हमारे, वहाँ पर क्या कहा गया है, हिंदाऊ या हिंदुत्व क्षेत्र। ठीक है, स्कंदन पुराण की अगर हम बात करें तो वहाँ पर धनुर्वंती और आपका धनुष तीर्थ, ठीक है, धनुवंतरी या आपका धनुष तीर्थ भी से कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, धनुवंतरी या आपका धनुष तीर्थ किसका उपनाम है, तो किसका उपनाम है, टिहरी का। ठीक है, हिंदाऊ क्षेत्र किसका उपनाम है, टिहरी का। और टिहरी किसका उपनाम है, टिहरी का। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे 1 अगस्त 1949 की। आज सभी जानते हैं कि मानवेंद्र शाह ने हस्ताक्षर कर दिए थे और यूपी का एक जिला बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता कि कौन से नंबर का बना था, तो कौन से नंबर का बना था, 50वें नंबर का। ठीक है, चलिए, तो कब बना जिला, टिहरी 1 अगस्त 1949 को, किसके थ्रू बना, मानवेंद्र शाह के थ्रू। ठीक है, और कौन सा नंबर का बना, 50वें नंबर का इन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए बात करेंगे तहसील की, क्योंकि तहसील भी इसकी इंपॉर्टेंट है और आती है कुछ तहसील भी। ठीक है, धनोल्टी कई बार आ रखी है। ठीक है, तो टिहरी, प्रतापनगर, घनश्याली, देवप्रयाग, जखणीखाल, नोबाग, गंजा, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीसेन ये भी इंपॉर्टेंट है, धनोल्टी कई बार आ रखी है, बाल गंगा, कीर्ति नगर और नरेंद्र नगर। ठीक है दोस्तों, तीनों जो मैंने गोले किए हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनके आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, बात करेंगे विकासखंड। ठीक है, चंबा, भिलंगना, चौथा ढाल, प्रताप नगर, जाखणीधार, देवप्रयाग, जैनपुर, कीर्ति नगर और नरेंद्र नगर, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, जाखणीधार कई बार पूछा गया है लास्ट एग्जामों में। ठीक है, चलिए बात करेंगे इतिहास की, कि कैसा इतिहास था, सभी जानते हैं कि टिहरी का जो इतिहास था, राजाओं से रहा, पमार वंशकों के यहाँ पर राजधानी अच्छे टाइम पीरियड में रही, और उन्होंने यहाँ पर घंटाघर या नरेंद्र नगर ऐसे से मतलब काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियाँ उन्होंने यहाँ से प्राप्त की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नींव कब रखी गई, किसने रखी, सुदर्शन साहा ने, कब, 28 दिसंबर 1815 में। थोड़ा सा नींव के बारे में जान लेते हैं कि नींव कैसे रखी गई, आप सभी जानते हैं कि सुदर्शन साहा ने अंग्रेज़ों को बुलवा लिया उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड का ये जो क्षेत्र था, इसमें आपका यहाँ पर इस तरीके से जो ये कुमाऊँ का हो गया और ये आपका गढ़वाल का हो गया। ठीक है, तो जो हमारे अंग्रेज सैनिक थे वो कुमाऊँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब संपूर्ण कुमाऊँ पर अपना स्थापित्य कर लिया। ठीक है, अब वे क्या कर रहे थे, सुदर्शन जाग जो कि गढ़वाल में शासक था, राजा था, उसे भी इन्होंने लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लेके आ गए हैं, आपकी
टिहरी में, राजधानी कहाँ लेके आ गए, टिहरी में, कब लाए थे, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। यानी कि अंग्रेज़ों के जो उनकी रुकावटें डाल लेते हैं इनके कार्यों में, इनको परेशान कर रहे थे सुदर्शन शाह जी को, तो इन्होंने उनकी परेशानी से बचने के लिए, उनकी जो अड़ंगेबाजी लगा रहे थे उनसे बचने के लिए अपनी राजधानी कहाँ लेके आ गए, टिहरी गढ़वाल लेके आ गए, कब, 28 दिसंबर 1815 में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करेंगे अंग्रेजी कालीन में दस्तावेज, जो यहाँ पर अंग्रेजी कालीन में जो दस्तावेज थे, आप सभी जानते हैं कि टिहरी इधर हुआ और इधर आपका अंग्रेजी शासन हुआ, इनके बीच जो कार्य होते थे, तो उनके जो दस्तावेज थे, दस्तावेज में इस क्षेत्र को गढ़वाल राज का नाम दिया जाता था, यानी कि टिहरी को अंग्रेजी दस्तावेजों में गढ़वाल राज का नाम दिया जाता था। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करेंगे घंटाघर की। दोस्तों घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह ने की 1897 में, नोट कर लीजिए 1897 में, और इसी टाइम पीरियड में हरिद्वार में आपके दयानंद सरस्वती ने अखंड ज्योति, अखंड जो उनका झंडा था वो फहराया था, ठीक है। चलिए तो कब घंटाघर की स्थापना कब हुई, कीर्ति शाह ने 1897 में, और दोस्तों ध्यान रखना महारानी विक्टोरिया भारत में आई हुई थी उनकी स्मृति में, यानी कि उनको खुश करने के लिए इस घंटाघर की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके स्मृति में इस घंटाघर की स्थापना की गई, तो किसकी, विक्टोरिया की, किसने की, कीर्ति शाह ने, कब, 1897 में, ठीक है। चलिए बात करेंगे नरेंद्र नगर की, नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने की कब, 1919 में, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं नरेंद्र नगर की, बात होगी, बात करते हैं मानवेंद्र शाह की। मानवेंद्र शाह जो कि आप सभी जानते हैं कि परमार वंश के अंतिम शासक थे, इनका राजतिलक कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1946 को। दोस्तों नोट कर लीजिए, अंतिम शासक थे, 61वें कह सकते हैं, 60वीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अनुसार 60 और वंशावली के अनुसार 61, तो 60वें बोल सकते हैं, 61वीं बोल सकते हैं। कब हुआ, 5 अक्टूबर 1946 को राजतिलक होता है, और राजा कब तक रहते हैं, 1 अगस्त 1949 तक, ठीक है। जिनका कार्यकाल इम्पोर्टेंट है, आ सकता है 5 अक्टूबर 1946 से लेके 1 अगस्त 1949 तक, 1949 में इन्होंने अपने इस क्षेत्र को टिहरी जो रियासत थी इसे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कर दिया था। चलिए बात करते हैं 1990 में, दोस्तों 1990 में होता क्या है, इसका मुख्यालय नरेंद्र नगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि 1990 से पहले 85 की अगर हम बात करें, 85-86 में होता क्या है, भूकंप और आपदा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देती है टिहरी को, तो इसका जो मुख्यालय था टिहरी से हटाकर नरेंद्र नगर स्थानांतरित कर दिया था 1990 में, नोट कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब दोस्तों एक पर्वत, अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम सुमेरु पर्वत तो कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि उत्तरकाशी में, लेकिन नहीं, इसका अधिकांश भाग आपका टिहरी में लगता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों सेम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूँ, सेम का अर्थ होता है क्या, रास्ते जो खेतों में या पर्वतों के किनारे में स्थलित दलदली भूमि। अब देखो दोस्तों किस तरीके से, सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई रास्ता है, ठीक है, ना कोई रास्ता जा रहा है, यहाँ पर कोई खेत है या यहाँ पर कोई पर्वत है, तो इनके पास की जो दलदली भूमि होगी इसे सेम बोला जाता है, ठीक है। तो सेम सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है, ध्यान रखना। चलिए कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ लेख प्राप्त हुए देवप्रयाग से, ठीक है, लेख भी दोस्तों आते रहते हैं, तो यहाँ से लगभग देवप्रयाग से चार अभिलेख या लेख कह सकते हैं प्राप्त हुए। एक तो जगतपाल का मिला 1455 और 1578 का मिला सहजपाल का, 1548 का मिला सहजपाल का, और 1560 का मिला सहजपाल का, तो चार सहजपाल के मिले, ध्यान रखना दोस्तों, और इम्पोर्टेंट रहेंगे चारों के चारों, तीन सहजपाल के और एक जगतपाल का। जगतपाल का प्रथम एक पूर्ण रूप से प्राप्त लेख बोल सकते हैं पवार वंश में पूर्ण रूप से प्राप्त प्रथम लेख, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रमुख आंदोलनों की, ठीक है, प्रमुख आंदोलन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आंदोलन कौन कौन से हुए टिहरी रियासत में। दोस्तों ध्यान रखना टिहरी रियासत में जो राजा थे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, स्थिति थोड़ा सा मैं वर्णन कर दूं,
राजाओं के राज से अच्छा यहाँ की जो स्थानीय जो जनता थी उन्हें अंग्रेजी शासन पसंद था, क्योंकि राजा टैक्स ज़्यादा लगाते थे, अंग्रेज टैक्स काफ़ी कम लगाते थे। राजा फैसिलिटी काफ़ी कम देते थे और जो आपके अंग्रेज थे वो फैसिलिटी अच्छी देते थे वहाँ की जनता को। तो इस वजह से राजा का शासन पसंद ना कर अंग्रेजों का शासन पसंद किया स्थानीय जनता ने, ठीक है। तो इस वजह से आप सभी जानते ही होंगे कि जब सिचुएशन ऐसी बनेगी तो ओबीसी बात है कि राजा के प्रति आंदोलन होते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुंजनी वन आंदोलन, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि ये चीज़ नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चंस यहीं से बने मिलेंगे, ठीक है। तो कुंजनी वन आंदोलन का क्या था मैं आपको थोड़ा बता दूं, कीर्ति शाह के समय में हुआ और कीर्ति शाह ने टैक्स में वृद्धि कर दी। क्या कर दिया? टैक्स में वृद्धि कर दी। किसने? कीर्ति शाह ने। कब? 1904 के आसपास, ठीक है। तो 1904 में कुंजनी वन आंदोलन होता है और दोस्तों इसी आंदोलन के तहत एक इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले आया था, मैं वो भी डिस्कस कर लूँ। क्वेश्चन आया था, टिहरी नरेशों को किस उपाधि से नवाजा गया है? तो कौन सी? बोलदा बादीस, यानी कि इन्हें कौन सी महारत हासिल है? बोलदा बादीस अपने ऊपर लगाते हैं ये नाम के आगे, ठीक है। तो ये जो बोलदा बादीस वाली जो ये अपने नाम के आगे लगाते थे टिहरी नरेश, इसका जो विरोध हुआ वो भी कुंजनी वन आंदोलन के तहत ही हुआ था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपसे मिल गए। क्वेश्चन आ सकता है कि किस वजह से हुआ ये, तो किस वजह से? टैक्स बढ़ाने के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बोलदा बादीस की जो उपाधि थी टिहरी नरेशों के पास, इसके विरोध में कब हुआ या इसका विरोध किस आंदोलन के तहत हुआ? तो कौन सा? कुंजनी वन आंदोलन, ठीक है। नोट कर लीजिए कब हुआ था, 1904 में कीर्ति शाह के समय हुआ था, टैक्स बढ़ने के कारण हुआ था और साथ में इसमें इस आंदोलन के तहत ही बोलदा बादीस का विरोध भी हुआ था कि आप ये उपाधि मत लगाइए, क्योंकि बोलदा बादीस भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। चलिए अगला जो आंदोलन हुआ था, खास पट्टी वन आंदोलन, इम्पोर्टेंट रहेगा खास पट्टी वन आंदोलन। दोस्तों ये हुआ था कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भूमि बंदोबस्त, यानी कि भूमि बंदोबस्त, भूमि का नई मापतोल के विरोध में यह हुआ था, क्योंकि इसमें हुआ था क्या, जो छोटे जो किसान थे या जिनके पास कम एकड़ भूमि थी उनकी दोस्तों और कम करके कुछ राज्य सरकार ने, जो राजाओं ने अपने अंतर्गत कर ली थी, ठीक है। तो इसके विरोध में आंदोलन हुआ कब, 1907 में और कीर्ति शाह के समय, किसके शाह के समय? कीर्ति शाह के समय हुआ और कीर्ति शाह ने इसका विरोध, यानी कीर्ति शाह के जब समय होता है तो वे इसका विरोध कम करने के लिए यहाँ पर किसान बैंक का निर्माण करवा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कई सारे बन गए। सबसे पहले खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ, 1907 में, किसके समय हुआ, कीर्ति शाह के समय, कारण क्या था, भूमि बंदोबस्त, और इसका विरोध कम करने के लिए क्या किया गया, किसान बैंक बनाया गया, ठीक है। तो दोनों आंदोलन आप समझ गए होंगे, कुंजनी वन आंदोलन 1904 और खास पट्टी आंदोलन 1907। चलिए अब बात करेंगे लास्ट, असहयोग आंदोलन। अब आप बात करेंगे असहयोग आंदोलन तो दिल्ली में हुआ था या केंद्रीय स्तर पर, लेकिन नहीं, भला ही दिल्ली में हुआ हो लेकिन इसकी जो झलकियाँ थी वो हमें प्रत्येक प्रदेशों में देखने को मिली, ठीक है। तो कब हुआ, 1919 से 1922 के मध्य, गोपाल सिंह राणा। क्वेश्चन आएगा कि किसने किया उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन, किसने किया? गोपाल सिंह राणा ने किया, ध्यान रखना। और राणा को आधुनिक किसान आंदोलन, ध्यान रखना दोस्तों, राणा को यानी कि गोपाल सिंह राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, यानी कि दो तीन आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। सबसे पहला असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया, गोपाल सिंह राणा ने, और इन्हीं राणा जी को क्या कहा जाता है, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक, यानी कि उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कौन है, गोपाल सिंह राणा, ठीक है। चलिए तो हमने सारे आंदोलन पढ़ लिए, इतिहास हमने पढ़ लिया और तहसील विकासखंड और साथ में नामकरण भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे जो उसके अन्य टॉपिक्स होंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, नोट्स अपने बना के चलें, क्योंकि नोट्स अगर आपके हाथ में होंगे ना दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ आप सबसे आगे होंगे। मैं पीडीएफ फाइल आपको दे देता हूँ, पीडीएफ फाइल आप से खोई भी जा सकती है, रल भी सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, नोट्स अपने बना के चलें, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में।